अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ एसी का इंजीनियर अल्फाज। आप लोग देख रहे हो अल्फाज एयरकॉन। आज एक काम पे आया हूँ, मेरा ये प्राइवेट कस्टमर है। और एसी देखिए, हिटाची का डेड डन का नॉन इन्वर्टर एसी है। कस्टमर का कहना है उनका एसी चालू नहीं हो रहा, तो अभी देखते हैं एक्चुअली एसी में प्रॉब्लम क्या हुआ। तो अभी चालू किया हूँ, देखिए स्टेबलाइजर पर सप्लाई आ गया। स्टेबलाइजर चालू हो गया लेकिन वो आउटपुट दिया नहीं, थोड़ा टाइम बाद देगी आउटपुट, तो थोड़ा टाइम वेट कर लेता हूँ। देखिए अभी आउटपुट दे दिया, मतलब एसी में सप्लाई चला गया, लेकिन एसी मेरे को लग रहा है कि ऑन नहीं हुआ। एक बार रिमोट से भी देख लेता हूँ, देखिए एसी ऑन नहीं हो रहा। ऐसा लग रहा है इसका पीसीबी ख़राब हो गया। फिर भी कंफर्म के लिए एक बार मैं दूसरा बोर्ड से भी चालू करके देखूँगा चालू हो रहा है कि नहीं। अभी लग रहा है इसका सर्किट बोर्ड ख़राब हो गया। मैं किलोमीटर से भी वो बोर्ड पे वोल्टेज में चेक कर सकता था, लेकिन मैं इसलिए मैं नहीं दिखाया। बहुत सारा टेक्नीशियन के पास किलोमीटर होता नहीं है, या घर पे भूल जाता है, बैटरी भी ख़राब होता है, या कोई कस्टमर भी अगर चेक करना चाहता है तो उसके पास किलोमीटर होता नहीं है, इसलिए मैं नहीं दिखाया। तो इसका पीसीबी का इशू है, अभी मैं पीसीबी ओपन करूँगा। देखिए फिर मैं पीसीबी ओपन कर लिया हूँ, और इसका फ्यूज़ देखिए, फ्यूज जल गया। तो ये पीसीबी को मैं लेके जाऊँगा पीसीबी वालों के पास, जो पीसीबी रिपेयरिंग करता है। फ्यूज जो गया, ये नॉर्मली फ्यूज जाता नहीं है, इसमें मेरे को लग रहा दूसरा किधर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा, इसके वजह से फ्यूज चला गया। क्योंकि स्टेबलाइजर दिया हुआ है, हाई वोल्टेज के आने का तो सवाल ही नहीं। तो मैं पीसीबी लेके जाऊंगा वही चांदनी सद्दम भाई के पास। तो फ्रेंड्स अभी आया हूँ सद्दम भाई के पास, वही चांदनी बड़ा बाजार। तो उन्होंने पीसीबी चेक करके ऐसा कोल्ड टेस्ट में बोला है कि इसका देखिए कैपेसिटर फटा हुआ है। ये देखिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये देखिए कैपेसिटर भी फटा हुआ है। तो और भी बहुत सारा इशू हो सकता है, ठीक है। तो अभी मैं आ चुका हूँ कस्टमर के घर पे। तो आप लोगों ने देखा था कि ये जो कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर फट गया था, तो अभी चेंज किया है। लेकिन पीसीबी वाला बोला है अगर हिटाची का एसी में जब फ्यूज उड़ जाता है तो इसका सर्किट बोर्ड में भी प्रॉब्लम हो सकता है, और उसके अंदर ट्रांसफार्मर है वो भी मैं लेके नहीं गया था, क्योंकि मालूम है उधर रिपेयर हो जाएगा, उसका प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा मैं सोचा था। लेकिन वो बोला है कि ट्रांसफार्मर का भी इशू हो सकता है और आपका मोटर का भी प्रॉब्लम हो सकता है, उसकी वजह से फ्यूज उड़ सकता है। तो अभी उन्होंने बोला कि अभी पहले आप ट्रांसफार्मर लगा के एसी चला कर देखो कि आपका पीसीबी ऑन हो रहा है कि नहीं। अगर ऑन होगा फिर मोटर का कनेक्शन देना, तब मेरे को मालूम होगा ट्रांसफार्मर का प्रॉब्लम, अगर प्रॉब्लम है तो ट्रांसफार्मर का है या मोटर का। तो पहले मैं मोटर का सप्लाई नहीं दूंगा, अभी मैं पीसीबी को डायरेक्ट चालू करके देखूंगा पीसीबी चल रहा है कि नहीं। तो फ्रेंड्स मैं पीसीबी को मैं फिटिंग कर लिया हूँ, लेकिन मैं मोटर का सप्लाई नहीं लगाया हूँ कोई भी मोटर का। अभी सिर्फ चालू करके देखूँगा अभी सर्किट ऑन हो रहा है कि नहीं। सप्लाई ऑन किया हूँ, अभी देखिए सर्किट ऑन हो गया, मतलब ट्रांसफार्मर सही है। अभी मैं मोटर को ऐसे हाथ से तो घुमाया, देखा कि मोटर तो चल रहा, मतलब घूम रहा, मोटर डीसी मोटर है, टाइट नहीं है, तो मतलब मोटर ठीक ही लगेगा। अभी मैं मोटर लगाऊंगा, मोटर में सप्लाई डालूंगा। ऑफ कर लेना पहले इसको, तो फ्रेंड्स मशीन को पूरा फिटिंग कर लिया हूँ, मोटर का भी जो कनेक्शन है वो भी कर दिया हूँ, आशा करता हूँ कि मशीन चलेगी। तो अभी मशीन को चालू करता हूँ। नहीं, मोटर का इशू है, देखिए फिर से फ्यूज उड़ गया, मोटर का प्रॉब्लम है। तो फ्रेंड्स मैं मोटर ओपन कर लिया हूँ और घुमा कर भी देख रहा हूँ, जो सद्दम भाई बताया था कि मोटर देखो जाम होगा, तो ये मोटर का इशू था। तो अभी मैं फिर से वो पीसीबी लेके जाऊँगा और मोटर पूरा चेक करा के लेके आऊँगा, क्योंकि ये डीसी मोटर है। बहुत बार क्या होता है, डीसी मोटर का प्रॉब्लम होता है कि मतलब ओरिजिनल मिलना बहुत टफ हो जाता है, मार्केट में मिलता है
लेकिन उनका स्पीड बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, नहीं तो घूमता नहीं, मतलब ठीक से घूमता नहीं। तो इसके लिए मैं सर्किट बोर्ड भी लेके जाऊँगा और मोटर पूरा टेस्ट करके ही मैं लेके आऊँगा। बोलता है मैं अर्बन में झाड़ू मारते हैं। देखो मोटर चालू हुआ ना, मैं बोला था ना कि मोटर खराब होगा, हाथ से घुमा के देखना। तो फ्रेंड्स मैं लेके आया हूँ ओरिजिनल BLDC मोटर, और देखिए ये मोटर काफ़ी बढ़िया चल रहा है। मार्केट में ओरिजिनल मोटर मिलना बहुत टाफ है, जो मिलता है वो हाई स्पीड वाला नहीं तो लो स्पीड वाला। तो अभी चलता हूँ कस्टमर के घर पे। तो अभी आ चुका हूँ कस्टमर के घर पे। देखिए मैं मोटर को फिट कर लेता हूँ, फिट करके पूरा मैं रेडी करके और मशीन का वॉश भी करूँगा, क्योंकि मशीन में थोड़ा बहुत गंदा भी है। सर्विस भी कर दूँगा, फॉर्मजेट सर्विस। तो फ्रेंड्स दोबारा मैं मोटर को ही फिट कर लिया हूँ, PCB फिट कर लिया हूँ। अभी AC ऑन करूँगा, आशा करता हूँ कि इंशाल्लाह AC ठीक ठाक चलेगा। बिस्मिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अभी AC ठीक है, एकदम चालू हो गया परफेक्ट। अभी मैं AC को वॉश करूँगा, कर लेता हूँ। फ्रेंड्स सर्विस के बाद AC का कूलिंग कॉइल देखिए, देख के ऐसा लग रहा एकदम एक दो साल का AC होगा, लेकिन AC का उम्र है 10-12 साल। अभी कूलिंग कॉइल देखिए एकदम शाइनिंग करने लगा, एकदम नया जैसे बन गया। तो फ्रेंड्स इधर का काम पूरा कंप्लीट हो गया। आपका घर में कोई AC है जो टेक्नीशियन ने हाथ ऊपर कर दिया कि AC नहीं बनेगा या इसका स्पेयर पार्ट्स नहीं मिल रहा, क्योंकि आप आज के ज़माने में मार्केट में 90% इन्वर्टर AC है, और इन्वर्टर AC का स्पेयर पार्ट्स जैसा PCB या जो DC मोटर वो मार्केट में मिलता नहीं है। अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम है तो एक बार मेरे को बुला के देखिए, अगर पॉसिबल होगा तो आपका PCB, अगर PCB का प्रॉब्लम होगा तो रिपेयर कर दूंगा, अगर नहीं भी रिपेयर हुआ तो आपका PCB में चेंज कर दूंगा, नया PCB चेंज कर दूंगा। सर PCB नहीं, कोई भी मतलब इंडोर DC मोटर, आउटडोर DC मोटर, कोई भी स्पेयर पार्ट्स मैं आपको सब गारंटी के साथ काम करूंगा। स्क्रीन में दिया हुआ नंबर पर फ़ोन या व्हाट्सएप कीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलता हूँ आप लोगों से दूसरे एक अच्छा टेक्निकल वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। थैंक यू।